अभी हम सभी ने देखा एक नजरिया बना कि आरसीएम बिजनेस है क्या। सभी साथी ज्वाइन हैं, कहीं ना कहीं आपने प्लान देखा है, आपको अच्छा लगा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किनारा आपके दिल को छूता है, तब आप इस बिजनेस को करते हैं, शामिल होते हैं। धीरे धीरे जब इस बिजनेस में आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित है कि मुश्किलें भी आती हैं। आपने बिजनेस को देखा है, मीटिंग्स में आते हैं फिर आप बिजनेस को देखते हैं, बार बार प्लान को देखते हैं, बार बार एक्टिव अपलाइन साथियों के संगत में आप होते हैं। तो एक बार बात निकल कर आती है कि ये बिजनेस हमारा आज बनाएगा। आप 1 साल मेहनत करते हैं, 8% रॉयल्टी पर पहुंचते हैं, 40,000 आपकी इनकम शुरू हो जाती है, फिर आप और मेहनत करते हैं, 4-6 महीनों में आप बड़े टेक्निकल बन जाते हैं, आपकी इनकम 1 लाख 1.5 लाख रुपए हो जाती है। तो ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि हमारे पीढ़ी के लिए है, बल्कि सबसे पहले ये बिजनेस हमारे आज को संवारेगा, आज बनाएगा, कल तो बनाएगा ही बनाएगा, परसों तो बनाएगा ही बनाएगा, साल 2 साल के बाद आपके साथ यह ऐसी स्थिति हो चुकी होगी जिसकी आज कल्पना नहीं है। आज मैं बोलता हूं अपने अनुभव से, कल आप यही बातें बोलेंगे अपने अनुभव से। जो हम सोच भी नहीं सकते वो यहां से आपको मिलने वाला है। निश्चित है एक बच्चे की भी परवरिश इंसान इसीलिए करता है, अपनी जो औकात है, अपनी जो हैसियत है, उससे भी ज्यादा बढ़ के वो उस बच्चे को पढ़ाता है, उसकी परवरिश करता है, उसको कपड़े, उसकी दवाई, हर जगह हर लेवल पर वो अपनी हैसियत से कि बच्चा आगे चलकर उसके काम आएगा, उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मुसीबतों में बच्चा बड़ा रहेगा तो खड़ा रहेगा और आपको तमाम मुश्किलों से उबारेगा और आपका नाम रोशन करेगा। ठीक उसी तरीके से बच्चे की तरह ये आरसीएम बिजनेस भी आपका एक बच्चा है। आपने अगर 2 साल इसकी परवरिश कर ली तो ये आरसीएम रूपी बेटा साल 2 साल में आपके पास टेक्निकल जैसा मुकाम होगा, लाखों की इनकम होगी, आपके जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर देगा, आपके जीवन में वो चीजें आती जाएंगी जिसकी कल्पना नहीं है। चाहे वो आपका बड़ा सपना हो, कितना बड़ा सपना हो, बहुत बड़ा बंगला चाहिए, बहुत लंबी लंबी कारें चाहिए, बहुत अकाउंट में करोड़ों की इनकम चाहिए, वो सब इस काम नहीं कर पाएंगे, जिससे बोलते हैं कि पैसिव इनकम, यानी हम काम भी ना करें तब भी आए। तो यहाँ केवल पैसिव इनकम नहीं है, केवल बच्चे के लिए नहीं है, केवल पीढ़ी के लिए नहीं है, इस बात को समझिए, ये आज आपका भविष्य बनाएगा। साल 2 साल आपकी मेहनत आपके जीवन में ऐसा रंग लाने वाली है, ऐसी खुशियां देने वाली है कि आपके जीवन का हर दिन दिवाली होगा, आपके जीवन का एक एक दिन होली जैसा, ईद जैसा वातावरण आपके घर में होगा, कहीं कोई भी कमी नहीं होगी। लेकिन ये सब कब होगा? जब आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा? आपको करना होगा, आपको इस बिजनेस को आगे बढ़ाना होगा।
कैसे बढ़ाएंगे? काम करेंगे नॉलेज के साथ, ज्ञान लेंगे। आज की जैसे जूम मीटिंग, ये आपके ज्ञान को बढ़ाएगी। आपने आरसीएम बिजनेस का प्लान देखा, बहुत शानदार तरीके से तरुणेश उपाध्याय जी ने प्लान हमारे बीच में रखा है। आपका ज्ञान बढ़ाएगा, आपका विश्वास बढ़ाएगा, जो जो चाहिए आपको वो सभी बिजनेस देता जाएगा। निश्चित है कि हम गरीबी में हैं, हम मीडियम हैं, हम समझौतों में जीवन बिता रहे हैं, तो जब अमीरी की तरफ बढ़ना है तो रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। और वो टेढ़ा मेढ़ा है इसीलिए जब हम किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर गाड़ी भी चलाएं ना, तो तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब एक मोड़ आता है तो सामने से रास्ता नजर नहीं आता, बड़ी होशियारी से, बड़ी चालाकी से, बहुत संयम के साथ गाड़ी को ड्राइव करते हम टर्न करते हैं, क्योंकि सामने से कोई एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस में आपको तरह तरह के मोड़ नजर आएंगे, मोड़ मिलेंगे। अगर उन मोड़ पर आपने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया, यानी अपने ज्ञान जो लिया है, जो मीटिंग्स में लिया है, जो अपलाइन के टच में लिया है, जो काउंसलिंग में लिया है, होम ग्रुप मीटिंग में आपने लिया है, तो उन नॉलेज का जब आप इस्तेमाल करते जाएंगे, तो ये आपका आरसीएम रूपी जो ये हवाई जहाज है ना, ये बिल्कुल ट्रेन है, ये उड़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस बिजनेस में मुश्किलें तो हैं, लेकिन मुश्किलों का समाधान भी है, और वो है लगातार सक्रिय रहना। सक्रियता कई मायने में है, तो इस बिजनेस में सक्रिय होना का मतलब नॉलेज लेते रहना, और नॉलेज होगा काम करने से, अनुभव जिसको बोलते हैं। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका विश्वास भी बढ़ेगा। शुरू शुरू में दिक्कतें मुश्किलें होंगी, उन मुश्किलों से आप उबर कर सामने आएंगे। आप अपलाइन के कॉन्टेक्ट में बने रहते हैं, मुश्किल में उनके साथ होते हैं, मीटिंग में आप सीखते हैं, तो एक न एक समाधान आपको मिलता जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ा और आप काम करते रहे, अनुभव बढ़ा, तो रॉयल्टी आपके सामने आ जाती है। मैं तो एक बात कहूंगा कि रॉयल्टी जो है वो ये बताती है कि आपने बिजनेस को बहुत सीखा है। 8% रॉयल्टी एक एग्जाम है, 8% रॉयल्टी यानी स्टार प्लेटिनम। आप जब 3-4 महीना ले लेते हैं लगातार, तब समझ लीजिए कि आपने इस बिजनेस में बहुत बढ़िया एग्जाम पास कर लिया है। तो 8% रॉयल्टी तक बिल्कुल सोचना ही नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना है। जैसे जैसे बातें कही जाती हैं वैसे वैसे करते जाना है, दिमाग नहीं लगाना है। सबसे खतरनाक बात है कि आपका सीनियर साथी भी उसी रास्ते से गुजर कर गया है, और कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनका बेटा किसी गड्ढे में गिरे। इसीलिए आपका अपलाइन बार बार आपको गाइड करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसका बाप का बिजनेस टोटल उस अपलाइन का बिजनेस है, वो कभी कभी नहीं कोई चाहेगा कि उसका बिजनेस कम हो। इसलिए जगह जगह पर जब आपको सामने मुश्किलें आनी होंगी, तो जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है वो आपके संपर्क में आएगा, और आपको उन रास्तों के बारे में बताएगा कि ऐसे आप काम करें। अगर आप कुछ लेने के उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं इस बिजनेस में, यूं करके बढ़ते हैं, देखिए इस ऐसे होगा तो इसके अंदर कुछ आने वाला है, और ये ऐसे होगा तो कुछ आने वाला नहीं। तो जीवन का ही एक सिद्धांत हमें रखना है, हमें ऐसे पात्र अपने को आपको बना के रखना है कि अगर कोई अप्लाइन कहीं कोई साथी कुछ दे रहा है तो हम इसे सीख लें, हम इसे ले लें। और एक्टिव अप्लाइन अगर दे रहा है इस बिजनेस में आपका, तो
तो पक्का है आपके बिजनेस को बढ़ाने की सलाह दे रहा है, आपके इनकम को बढ़ाने के लिए वो आगे आ रहा है, तो दिल खोल कर उसका स्वागत करके उसके द्वारा बताई गई बातों का पालन करें। अगर आप लेने के उद्देश्य से चलते हैं, आपको मिलता है, बिल्कुल मिलेगा, इस सिस्टम में मिलेगा, 100% मिलेगा। आज आप दिमाग में डाल लीजिए, आपका एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन आपको जरूर हर मोड पर आपको नॉलेज को, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, आपकी खुशियों को बढ़ाएगा। तो लेने के उद्देश्य से सदैव तैयार रहिए। जीवन में बहुत कुछ, कई कई जगहों पर, हर जगह से आपको कुछ ना कुछ मिलना है। तो सबसे जो इस बिजनेस में, जैसे कहते हैं, बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको बड़ा करने के लिए माँ बाप ही उसका सहारा होते हैं, उन्हीं की कहले संगति में वो आगे बढ़ता है, उन्हीं के संस्कारों से वो आगे बढ़ता है। ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस में माँ बाप के रूप में आपका एक्टिव अपलाइन होता है, आप उसकी संगत में अगर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप बड़े हैं, अच्छे नॉलेज वाले हैं, हो सकता है अपलाइन से आप ज्यादा नॉलेज रखते हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, अपलाइन से बहुत अच्छी पर्सनालिटी आपको हो, लेकिन इस बिजनेस के जो रास्ते हैं, जिसने लंबा सफर किया है, जो 5 साल से इस बिजनेस को कर रहा है, जिसने रॉयल्टी का मुकाम हासिल किया है, जो 8% रॉयल्टी 5-7 महीने से ले रहा है, जो इस बिजनेस में टेक्निकल का मुकाम हासिल किया है, उसकी बातों को नजरअंदाज ना करें। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी बातों को सुने। अगर कहीं कोई लगता है कि थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है, तो अपने आप को बदलने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे आपकी मुश्किलें कम होती जाएंगी। ताजिक बात मैं कह रहा हूं कि सदैव लेने के उद्देश्य से आप आगे बढ़ें। जब भी आप काउंसलिंग में हो, जब भी आप किसी मीटिंग में हो, चाहे वो ग्रुप मीटिंग में हो, चाहे वो होम मीटिंग में हो, कहीं भी लेने का उद्देश्य रखें, लेकिन अगर इस बिजनेस का आपको लाइन कहीं कुछ दे रहा है तो उसे जरूर नोट करें, अपने दिमाग में ले जाएं। मैंने अभी बात करी थी इसके पहले की मीटिंग में कि जो भी मिलता है अपने दिमाग के अंदर फीड करें, और अगर आपने दिमाग के अंदर फीड कर लिया, आपके अनकॉन्सियस माइंड में ये बात चली गई कि माँ बाप की तरह ही यहां अपलाइन है, अगर आपने विश्वास कर लिया अपलाइन पे, अगर आपने विश्वास कर लिया इस सिस्टम पर, बिल्कुल अपलाइन पर विश्वास करने का मतलब है, यानी कि एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन पर विश्वास करने का मतलब है कि आप सिस्टम पर, आपको विश्वास है, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब हम थोड़ी सी बात करें, आपने प्लान देखा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यहां पर आपका बिजनेस बड़ा ग्रो हो, इसके लिए दो बातें हैं। पहली बात है नेटवर्क, जो यानी जो टीम आपकी है, उसमें संख्या लोगों की लगातार बढ़ती जानी चाहिए। संख्या जितनी बढ़ती जाएगी, खरीदार जितने बढ़ते जाएंगे, काम करने वाले जितने साथी तैयार होते जाएंगे, उतना बड़ा आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। तो टीम बढ़ेगी तभी काम करने वाले साथी आपको बढ़ेंगे, जब टीम बढ़ेगी तभी खरीदार ज्यादा संख्या में आपको मिलेंगे। तो टीम बढ़ाने पर प्रयास करना है, और दूसरा साथी साथ, अलग से नहीं, बिल्कुल साथी साथ जो टीम में आपके शामिल हो गए हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, उनकी क्वालिटी को और बेहतर करना है। हर आदमी बेहतर है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो सकता है, वो अपने फील्ड का मास्टर है। अगर कोई इतिहास से PhD किया तो इतिहास का प्रोफेसर है, अगर कोई मैथ से करता है तो मैथ का प्रोफेसर है, अगर कोई संस्कृत से पढ़ाई किया है, उसका से PhD करता है तो वो संस्कृत का प्रोफेसर है, किसी ने अंग्रेजी पढ़ी है तो अंग्रेजी का प्रोफेसर है। अब संस्कृत से जिसने जो PhD किया हुआ है, जो संस्कृत का प्रोफेसर है, अगर उससे आप कहेंगे कि अंग्रेजी पढ़ाओ, हो सकता है अंग्रेजी ना पढ़ा सके क्योंकि उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है। तो हर आदमी अपने अपने फील्ड का विशेषज्ञ है। अब सवाल है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में RCM बिजनेस का प्रोफेसर कौन है, उस वो जिसने की PhD किया हुआ इतिहास में, या वो कि जिसने जिसने PhD किया हुआ है हिंदी में, कि जिसने PhD किया हुआ अंग्रेजी में? जी नहीं, वो जिसने टेक्निकल हासिल किया है RCM बिजनेस में, जो इमराल्ड है RCM बिजनेस का,
वो इस बिजनेस का प्रोफेसर है, उससे अगर नॉलेज लेते हैं तो पक्का है आपका बिजनेस बढ़ेगा। बात वही आ गई कि एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अप्लाइंग की बात माने तो यहां फिर वही बात आ रही है कि आपकी टीम में जो ग्रोथ होगा ज्यादा संख्या होगी, और संख्या के साथ साथ दूसरा जो आपकी टीम में लोग ज्वाइन है उनकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट, उनमें इंप्रूवमेंट होगा तब आपका बिजनेस बढ़ेगा। अब दोनों ही बातें हैं, दोनों बातें अलग नहीं है। अगर एक काम किया जाए तो दोनों लाभ आपको मिलने वाले हैं। जैसे दूध से घी और मट्ठा दोनों तैयार होता है, उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस के नियमों का पालन करने से नेटवर्क और आपके नेटवर्क की क्वालिटी भी साथ में इंप्रूव होती है। तो हमें आरसीएम बिजनेस को करना है, कैसे इंप्रूवमेंट होगा? आप ज्वाइन हैं, आप चाहते भी हैं कि हर महीना आपकी पिन बदले, हर महीना लेवल बदले, हर महीना इनकम आए, हर महीना खुशियां घर में बढ़ती जाए, आपका नाम, आपका बिजनेस सब कुछ आगे बढ़ता जाए आप चाहते हैं, तो दोनों बातों का पालन करना होगा। दोनों बातें अलग नहीं है, एक ही साथ में आप एक ही काम करेंगे और दोनों ही रिजल्ट आपके सामने आने वाले हैं। सबसे पहले आपकी टीम की संख्या कैसे बढ़ेगी, ये मीटिंग्स और सेमिनार का बिजनेस आजकल इस परिस्थितियों में कोरोना काल में अभी मीटिंग्स करना बहुत बड़ी बड़ी संभव नहीं है, लेकिन आप अलर्ट रहकर लोगों से कांटेक्ट में जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए, अपने आप को तैयार रखिए। लोगों की भलाई में भी उतरना है और लोगों की भलाई में ही यहां आपका बिजनेस भी बढ़ना है, तो इसके लिए सबसे पहले जो आदमी ज्वाइन है उसके घर पे होम मीटिंग जरूर करें, उसके चार पड़ोसी को बिठाल कर, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, चार पड़ोसी को बिठा ले, आप खड़े हो जाए 1.5 मीटर की दूरी पर, चार लोगों को स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में बताएं, PBMF नाश्ता के बारे में बताएं, S5 के गुणों को बताएं कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, PBMF नाश्ता लेने से प्रोटीन विटामिन मिनरल्स मिलते हैं तो आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है, आप बताएं। इस तरीके से अपनी नॉलेज को आप होम मीटिंग में लोगों के फायदे में डालें तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। हर आदमी चाह रहा हो स्वस्थ रहना, और आपके पास जितने भी सामान है, चाहे आपका गिलोय है, चाहे आपका पंच तुलसी है, चाहे आपका काढ़ा है, चाहे आपका एलोवेरा है, चाहे आपका कुनोवा है, मास्क है, आप देखें हर एक प्रोडक्ट लोगों की सुरक्षा करता है। तो दोस्त अपने आप को सुरक्षित रखते हुए खुद आप इनका इस्तेमाल करें, और बिल्कुल जो आपके ज्वाइन साथी हैं उनसे आप जाएं, उनके चार पड़ोसी को बिठा कर छोटी छोटी मीटिंग्स करें। आप ही ना करें, साथ ही साथ ये भी देखें आपके साथ में एक दो लोग जो अभी प्लानर नहीं है उनको भी ले जाएं, वहां शामिल करें ताकि वो भी देखें कि प्लान आप दिखा रहे हो, तो वो भी इस तरीके से उनकी क्वालिटी। अब देखिए आप मीटिंग कर रहे हो, संख्या तो बढ़ेगी, चार पड़ोसी तो जुड़ेंगे, लेकिन आपका साथी आपके साथ में जा रहा है या जिसके अगर होम मीटिंग हो रही है उसका पूरा परिवार सुन रहा है, तो अब लोगों की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगा। कैसे? प्लान सुनेगा दो तीन जगह तो वो प्लान दिखाने लग जाएगा, अब उसकी क्वालिटी बदल गई, अब वो एक प्लानर हो गया, और जितना ज्यादा प्लान सो होगा आपकी टीम में उतना ज्यादा टीम की संख्या बढ़ेगी, उतना बड़ा बिजनेस भी आपका बढ़ेगा। तो दोनों एक ही चीज है, जहां जिस घर में आप प्लान शो कर रहे हैं तीन चार पड़ोसी उसके बैठे हैं, दो लोग ज्वाइन करते हैं, तो उस जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर साथी है उसके अंदर उत्साह आता है। यह भी दोनों बातें हैं। अगर आप होम मीटिंग नहीं करते हैं, आप मिलने नहीं जाते हैं, तो उनके घर में हो सकता है इसके प्रोडक्ट को लेकर के अच्छी बात ना हो, हो सकता है उनके घर में कोई और तेल इस्तेमाल होता हो,
हो सकता है कोई और क्रीम घर में या साबुन आता हो तो घर के लोग तैयार, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट के साथ हैं और एक एक प्रोडक्ट के बारे में उस मिनट में 10 प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जो दैनिक उपयोगी सामान उनके बारे में बताते हैं, क्या की चाय की पत्ती ऐसी है, काढ़ा ऐसा है, सारे सामान क्यों आप बता सकते हैं, बताते हैं तो उनके घर में एक विश्वास पैदा होगा, यस हेल्थ गार्ड ऑयल बढ़िया है, इससे अब खाना बनेगा। और वो विश्वास आप देते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर जो विश्वास पैदा होगा उससे व्यक्ति की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो गया। अब वो अगर 200 का खरीदने वाला था तो 1000 का खरीदेगा, उसके 4-6 पड़ोसी हैं वो ज्वाइन करेंगे, उसके पास एक उत्साह आएगा। लेकिन हुआ क्या, उसने प्लान देखा, उसने ज्वाइन किया और जाकर एक पड़ोसी पर टूट पड़ा कि भाई आज से मैं जुड़ जाओ, क्योंकि वो नया नया है, उसको बात नहीं आता है, कुछ भी करना बात नहीं आता। तो पड़ोसी ने कहा यार ये कंपनी भग गई, ऐसी एक कंपनी और आई थी, पड़ोसी जुड़ा था तो वो हतोत्साहित होगा, वो नहीं जुड़ेगा बल्कि वो बोलेगा कहां फंस गए। और 2-4 पड़ोसियों से बात किया, रिश्तेदार कोई आया उससे बात किया। अगर एक मास्टर आदमी आप प्लानर हैं, आप वहां प्लान दिखाएंगे तो वो सुनेगा समझेगा और 4 में से 2 आदमी जुड़ जाएगा, आसानी से जुड़ जाएगा। तो आपका साथी जो है, जो ज्वाइंट साथी है, उसके अंदर एक उत्साह पैदा होगा। और अगर वो अकेले जाके भिड़ गया और पड़ोसी ने उसको गिरा दिया तो उसकी बात को पलट दिया, नॉलेज नहीं है उसको बता नहीं सकता, फिर क्या होगा, वो हतोत्साहित हो गया, अब वो खड़ा नहीं होगा। तो वो व्यक्ति आपका लीडर बन सकता था, वो व्यक्ति प्लानर बन सकता था, वो आदमी करोड़ों का बिजनेस आपको दे सकता था, लेकिन हमारे आप घर पे जाते हो मिलता भी नहीं है, जब वो ज्वाइन किया है तो वो कुछ करना चाहता है। इसलिए हम एक बात कहें कि बिल्कुल आप लिखिए कि आप अपने टीम के साथियों से जुड़े, काम करने से नॉलेज होगा। मैंने शुरुआत ही करी कि इस बिजनेस में मुश्किलें तो आएंगी, मुश्किलें यही हैं कि अब देखिए आप गए, उसका विश्वास बढ़ा, उसके घर में प्रोडक्ट लेकर विश्वास हुआ, अब वो प्रोडक्ट लेकर गया, यूज किया, अच्छा लगा और अंदर विश्वास पैदा हुआ। आप उसको बगल वाले उस गांव में कहीं मीटिंग है, कोई जुड़ा है, उसका डाउनलाइन उसके यहां भी लेकर गए, आपने उसी से प्लान करा दिया, तो उसके अंदर और विश्वास कि यस मैं भी कर सकता हूं, मैं भी बोल सकता हूं। इस तरीके से आपने उसका साथ दे दे करके एक महीने में एक बड़ा लीडर बना दिया। अब वो प्लान शो करता है तो प्लान शो करेगा। अब प्लान शो करना आ गया तो उसको बताइए आपकी डाउनलाइन में 8 लोग हैं, ये लिस्ट लो और इन पर आप सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार ऐसे जाकर के आप एक एक कम से कम शाम को सुबह में जैसे भी सिचुएशन हो जाकर के लोगों से मुलाकात करके 4-5 पड़ोसी को बिठा कर आप वो मीटिंग करो। मीटिंग्स हो रही, संख्या बढ़ रही, मीटिंग हो रही है, प्रोडक्ट उसके घर में सप्लाई ज्यादा होगा, उत्साह बढ़ेगा, लीडर खड़ा होगा। वो काम हम ना करके अभी क्या है, 3 तरीके के लोग ज्वाइनिंग कराते हैं, अपलाइन भी ज्वाइन कराता है आपकी टीम में, आपका डाउनलाइन भी ज्वाइन कराता है आपकी टीम में, और आप भी ज्वाइन कराते हो अपनी टीम में। 3 चांस है कि अपलाइन भी आपकी टीम में ज्वाइन कराए, डाउनलाइन भी आपकी टीम में ज्वाइन कराए और खुद भी वो ज्वाइन कराए, खुद भी आप ज्वाइन कराओ। हो सकता है अपलाइन ज्वाइन करा दे लेकिन वो होम मीटिंग ना कर सके, तो जिसकी टीम है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी के यहां होम मीटिंग करे। 10 लोगों में से मान लीजिए 5-6 लोग हैं, 7 लोग हैं जो जिम्मेदारी पूर्वक मीटिंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 2-3 नहीं कर रहे हैं, आगे चलकर करेंगे। मैंने जो अनुभव देखा है कोई बचने वाला नहीं है, कोई आज करेगा, कोई कल करेगा, कोई 1 साल के बाद करेगा, कोई 3 साल के बाद करेगा, कोई 5 साल के बाद करेगा, लेकिन वो करेगा अगर आप लगे रहे, लगातार डटे रहे, आपने अपनी कामयाबी हासिल करी तो आपके टीम का हर साथी भी कामयाबी हासिल करने के लिए कोई आज आएगा और कोई 5 साल के बाद आएगा। तो लगिए एक भी साथी छूटना नहीं चाहिए। मैं रॉयल्टी कीपर साथियों से चाह रहा हूं कि जिसने भी सेकंड खोली है उसकी लिस्ट साथियों को उपलब्ध करा दें, सभी के हाथ में एक पेपर हो जिसे वो देख करके अपने साथियों से बात कराए,
या आपके मोबाइल पे वो परचेस इन योर ग्रुप की जो लिस्ट आ रही है वो साथियों को भेज दें, उन्हें पढ़ना बता दें, कैसे इसको देखें, और इस तरीके से अपने साथी को आप अस्त्र दे दें कि ये आपके साथ में 10 लोग जुड़े हैं, 5 लोग जुड़े हैं, इनसे आपको जुड़ना है। अपने साथियों से बात करके डेट डिसाइड करिए। जब जैसा कोई दिन में 1 मीटिंग कर सकता है, कोई 4 मीटिंग कर सकता है, जैसी भी स्थिति हो कराएं। अगर आपने अपने साथियों को इस काम में लगा लिया तो उनके ज्वाइन होने की सार्थकता हो गई, साबित है कि वो लीडर बन के रहेगा। अगर आपने 2 महीना छोड़ दिया तो ये भी साबित है कि वो आपकी बात सुनने वाला आगे नहीं। मेरी कभी एक साथी से बात हुई थी, मुझे नहीं पता, हो सकता इस मीटिंग में भी हो ना हो, उन्होंने कहा था मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने और भी कंपनी पहले ज्वाइन किया था लेकिन वो लोग मुझसे करा नहीं पाए, लेकिन लगता है यहाँ जो साथियों ने हमें ज्वाइन कराया है वो हमसे काम निकाल ही लेंगे, ले ही लेंगे। मैंने कहा ये तो 100% है कि हाँ आपको साथी छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि लगातार वो इसी सिद्धांत पर चलते रहते हैं। कहें हाँ मुझे भी लग रहा है कि मैं यहाँ काम कर पाऊंगा क्योंकि लोग मेरा साथ देंगे। देखो ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली लोग होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका साथ दे करके, उनके उत्साह को बढ़ा करके, उनके माहौल को घर में पॉजिटिव करके आप उनसे करोड़ों का बिजनेस ले सकते हैं। तो आज एक अभियान चलाएं, अभी भी पूरा महीना है, मैं सभी लोगों के लिए बोल रहा हूं, और ज्यादा मेहनत के साथ काम करने की जरूरत है, जरूरत से ज्यादा अभी काम करने की जरूरत है। पूरा महीना बचा हुआ है, जो काम अभी तक नहीं हुआ है उसका 5 गुना मेहनत करके काम 5 गुना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं इस समय। जरूर 30 का महीना है, 15 तारीख 16 तारीख जा चुकी है, लेकिन अभी भी इतना बड़ा समय अपने पास है कि आप लोग नई नई पिन हासिल कर सकते हैं। वो आपकी सोच पर है, वो आपके काम पर है, मुश्किलों से ना घबराएं। कहते हैं संघर्ष ही जीवन है, जीवन में अगर संघर्ष नहीं है तो जीने का मजा भी नहीं। इसलिए तैयार करिए अपने आप को, 1-to-1 करिए। जो साथी जुड़ गया है उसके पास जिस दिन भी टाइम हो उसके साथ में निकल करके उसकी लिस्ट पर एक एक आदमी को फोन से बात करके जाकर के प्लान दिखाइए। तो 1-to-1 भी करिए, फेस टू फेस करिए, बिल्कुल फेस मास्क का यूज करिए, सैनिटाइजर यूज करिए, चार्ट लीजिए, उसको बिठा लिए 1.5 मीटर दूरी पर और बाहर के प्लान शो करिए, प्रोडक्ट दीजिए उसे, उसको बताएंगे प्रोडक्ट बाय पीपीएम नाश्ता के बारे में, उसके घर पर बार उसके बच्चों को बताएंगे न्यूट्री चार्ज किस में क्या क्या है, इन जरूरत की सारी चीजें हैं तो वो लोग यूज करेंगे। तो अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो लगना पड़ेगा। कोई भी साथी आज से अभियान चलाए, डेली प्लान दिखाए, 1-to-1 करे, ये बहुत अच्छा मौका है। मैं बार बार इस मीटिंग में इस बिजनेस में बोलता हूं कि इस बिजनेस में कामयाबी का राज है, ये बिजनेस ही है, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। तो कामयाबी का राज है डुप्लीकेट पैदा करना, और डुप्लीकेट भाषण से पैदा नहीं होता दोस्त, डुप्लीकेट पैदा होता है उसका साथ देने से। तो कोई आदमी जुड़ गया है, उसके 4 से 10 लोगों की 15 लोगों के लिस्ट पर काम करके प्लान देखने के लिए इन्वाइट करें, जो उनके पास समय सही हो वहां पर उनके घर पर जाए दोनों लोग मिलकर, और 40-45 मिनट के अंदर वहां से फिर चले आए, और खुले में आराम से उनके बरामदे में कहीं भी आप बैठा के उनके घर परिवार को प्लान दिखाएं। जो करेगा वो बढ़ेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। अब आपकी टीम में कोई जुड़ा है, अगर उस घर पे होम मीटिंग नहीं हो रही है तो मिला हुआ अवसर हम चूक रहे हैं। किसी ने भी ज्वाइन करा है उसको बात करिए, कांटेक्ट करिए, उसके होम मीटिंग करिए, उसके साथ बैठ करके 4 से 10 लोगों की जो लिस्ट हो उन पर बात करके फोन करके आप उसके साथ सेट करिए कि कब आप खाली हैं, कल सुबह आया जाए, शाम को आया जाए, जब भी कहिए। ऐसे उनके मोबाइल में जो नाम है जो आसपास है 4-6 किलोमीटर में, वहां जाके लेकिन हर साथी को 4-6 लोगों को RCM बिजनेस का प्लान दिखाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आज की सभा के बाद से कल से हर साथी लग जाएगा और हर साथी कम से कम 5-6 मीटिंग करेगा, और हर मीटिंग को मैं बार बार कह रहा हूं, हर मीटिंग को आप 100% में डालिए, आज क्या किया में डालिए। अगर आप 5 मीटिंग करते हैं, 5ों की पोस्ट आप सामने मत चिंता करिए, एक आदमी बैठा है अपना एक सेल्फी बढ़िया प्लान दिखा रहा हूं ऐसा करके डालिए, आपने कोई परचेजिंग करी, उसने कोई परचेजिंग करी तो उसको डालिए,
इससे जो साथी काम नहीं कर रहे हैं उस ग्रुप में शामिल हैं, उनमें एक उत्साह वर्धन होगा और वो भी मीटिंग में शामिल होकर वो भी काम करने लग जाए। तो जो डुप्लीकेट पैदा करना है वो आपके करने से, आपकी संगत के कारण से वो डुप्लीकेट पैदा होगा। एक साल के अंदर आप चाहें तो आपके साथ काम करने वाले 50 लोग हो जाएंगे, अगर आपने सिस्टम से साथ दिया डुप्लीकेट बनाने के लिए, खुद को मैदान में उतारा। और ये भी हो सकता है एक साल तक हम ज्वाइन कराते रह जाए और ज्वाइन कराते 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 सब आदमी टर्मिनेट भी हो जाए और एक साल के बाद हम अकेले ही बने रहे। तो अकेले बने रहने से नेटवर्क का बिजनेस नहीं हुआ। आज भी आप काम कर रहे हैं, एक साल के बाद भी काम करेंगे, उतना ही बिजनेस होगा, बढ़ोतरी नहीं होगी। शुरू में हो सकता है आपके पास ज्यादा लिस्ट है, फटाफट आप ज्वाइन कराएं, दो चार महीनों में हर महीना 10-20 हजार का बिजनेस पैदा कर लें। लेकिन अगर आपने डुप्लीकेट नहीं पैदा किया, फिर समझे डुप्लीकेट लेक्चर से नहीं, भाषण से नहीं पैदा होता, डुप्लीकेट का साथ है, उसका साथ दोगे, जैसा वो देखेगा वैसा होगा। तो जो करेगा वो जीतेगा। अभियान चलाएं कल से कि जरूर 4 लोगों के घरों पे मीटिंग करें, 4 साथियों को पकड़ें। अपनी ही लिस्ट पर नहीं होता 1-to-1, अपने जो टीम में जुड़ गया है उसके भी लिस्ट पर होता है, उसके 4-6-10 लोगों के साथ बैठकर और उसको साथ में ले जाए, इससे कि वो 4 जगह प्लान देखेगा, अगले दिन से अब वो प्लान दिखाएगा, आप बैठे रहेंगे। तो गलत दिखाता सही दिखाता दिखाने तो जैसा भी बोलता है ओके है, ताली बजाते रहिए और उसको उत्साहित करते रहिए। इस बिजनेस में कुछ बताना ही नहीं, लोगों को दुकान बदलवाना है तो ये कौन सा प्लान है, कुछ है नहीं। रॉयल्टी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, बस सब जान चुके हैं यहाँ पर है। बिल्कुल पैसिव इनकम आनी है, एक्टिव इनकम भी आनी है और पैसिव इनकम भी आनी है, दोनों इनकम आनी है, आज भी आनी है और कल भी आनी है। तो लगे अपने भी काम करें और जब वो ट्रेंड हो गया उसके साथ में एक साथी को लगा दें, अब दोनों लोग निकलकर प्लान दिखाएं। ऐसे आप निकलते हैं जगह, आपके 5 लोग निकलते हैं 5 जगह, तो 6 मीटिंग हुई 2 घंटे के अंदर, शाम तक 12 और 18 मीटिंग हो सकती है, 10 ज्वाइनिंग आपके टीम में हो सकती है। ऐसे तूफान मचा के उत्साहित होकर काम करेंगे तो मजा आ जाएगा, उत्साहित होकर काम करेंगे दुनिया आपकी टीम में जुड़ना शुरू हो जाएगी। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि लोग कहेंगे यस यार, इसके साथ तो काम करने का मजा ही कुछ और है। इस बिजनेस में आपका ऐसा भी नाम होना मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे आपका नाम होता जाएगा, ऐसे प्रचार होता जाएगा, लोग नाम आपका याद रखेंगे, अरे भाई कौन फलक की टीम से, बहुत गजब, बहुत बढ़िया विस्तार हो रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। लेकिन वो कब होगा, जब काम करने से होगा, जब फील्ड में हर जगह दहाड़ते मिलेंगे, 5 जगह जाएंगे आपके 10 लोग भी 5 जगह जाएंगे तो 50 जगह जा सकते हैं। सोचो आप 10 आपके साथ टीम में है, 10 लोग निकलते हैं, आप निकलते 11 लोग और सबने 4-4 मीटिंग करी तो 44 मीटिंग हो गई। तो 44 मीटिंग का रिजल्ट है जो आप चाहते हैं, जो पिछले महीने हुआ हो 5-10 दिन के अंदर भी हो जाएगा। तो अपने आप को लगाए, अपने साथियों से जुड़े, आपकी टीम में जितने रॉयल्टी चीवर साथी सभी को लिस्ट जरूर दें, चाहे वो ओपनर की पेयर ओपनर है तभी उसका 20,000 का बिजनेस है, चाहे वो स्टार्टर है तभी उसका सेकंड का 10,000 का बिजनेस है, बिगिनर है तब भी है, या एक ही टीम चल रही है वहां भी उसने 5-7 ज्वाइनिंग कराई, उनकी लिस्ट दें, उनसे बात करें। और इससे जरूर 100% है कि आप लोग आज क्या किया में प्रसारित करें, कल से अभियान लग जाना चाहिए। सुबह सुबह नाश्ता करते हुए सभी को और उसके बाद अपनी मीटिंग को प्रसारित करते हुए आपको लगना है। एक एक साथी को मौका दीजिए ताकि वो प्लान दिखाए, दो दो की टीम बना दीजिए। ऐसे जहां भी हैं आप, जहां भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अपने साथियों की टीम बना दीजिए, लोग दो दो लोग निकल कर काम करें। और रॉयल्टी चीवर जरूर देखें इस बात को, चाहे उनकी फर्स्ट है, चाहे वो सेकंड है, चाहे थर्ड है, जो भी आपका लेग है या टीम है, सभी जगहों पर ये चीज प्रसारित होनी चाहिए, सभी के हाथों में लिस्ट आनी चाहिए। किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बिल्कुल कॉन्टेक्ट करें, हम आपके साथ हैं। और इस तरीके से जो योजनाएं हैं उन्हें आप क्लियर कर लीजिए प्लान में, छोटू परचेज, ड्यूटी चार्ज 500 बिजनेस वालों, 6 महीना 500 का सामान ड्यूटी चार्ज की तरफ से गिफ्ट, 1,000 बिजनेस वालों ड्यूटी चार्ज खरीद 6 महीने के बाद 1,000 डीपी का सामान गिफ्ट, 2,500 बिजनेस वालों या ऊपर के बिजनेस वालों 5,000 जितना भी, तो उस हिसाब से आपको डबल धमाल ऑफर। और नहीं तो आरसीएम से आप कर सकते हैं, 2,500 बिजनेस वालों 1,000 न्यूटी चार्ज करा दें तो 1,000 न्यूटी चार्ज की तरफ से गिफ्ट और 2,500 आरसीएम की तरफ से गिफ्ट। इस तरीके से 3,500 का सामान, इस तरीके से आप इसे आगे भी कर सकते हैं, 5,000 10,000 पर भी लागू कर सकते हैं।
कोई भी साथी को किसी भी योजना के अलावा रखना ही नहीं है। आइए शुरुआत करें इस बिजनेस का और लग जाए, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपकी सोच है, वो इस महीने आप हासिल करें। और मैं कोशिश करूंगा कि इस बार लगातार आपके लिए मैं जूम मीटिंग में मौजूद रहूं। आप लोग कभी भी डिमांड करें, कभी भी चाहते हैं अपने नए साथियों के लिए, नए ज्वाइन साथियों के लिए, या आपकी प्लानिंग के लिए, या आपके मीटिंग्स के लिए, मैं सदैव तैयार हूं। और बिल्कुल कहीं भी आप हिचकिए नहीं। आगे चल करके मैं ऐसा भी सोच रहा हूं कि ये मीटिंग्स जो है सुबह में हो, ताकि कोई साथी निकल सके। अगर 7 बजे से मीटिंग किया जाए, सब लोग फुल ड्रेस में हो, ताकि समझ में आए कि यस इस मीटिंग के बाद 1 घंटे के बाद बंदा निकल रहा है दहाड़ने के लिए, मैदान में पूरा खाली है, बहुत अच्छा है, लोग घरों में हैं, मिलेंगे लोग, 1-to-1 करिए, होम मीटिंग करिए, सब मिलेंगे घरों में। और उनको स्वास्थ्य के लिए जागरूक करिए, उनको बताइए गिलोय तुलसी का जूस उसका महत्व क्या है, एलोवेरा का महत्व क्या है, क्विनोआ का महत्व क्या है, इन सब प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए। आप करें तो जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका इनकम भी बढ़ता जाएगा। बहुत ध्यान से बातें सुनी है आप सभी ने, किसी ने भी कोई आवाज नहीं करी है, तो हम समझते हैं कि बहुत आपको अच्छा लग रहा होगा। और मुश्किलें जीवन में सदैव आएंगी, मुश्किलों से ना डरे, हर मुश्किल को अपना बनाए, उसी में रास्ता ढूंढे, बहुत अच्छे अच्छे रास्ते नजर आएंगे। सर मीटिंग 1 मिनट रह गया है, खत्म होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपनी बात को रोक रहा हूँ, यहीं पर खत्म करता हूँ, फिर आगे चलकर मिलेंगे हम। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने ध्यान दिया, लेकिन सब इन बातों का पालन करें। ओवर टू तनिष उपाध्याय जी, थैंक यू। चलिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, यहीं पे समापन करते हैं क्योंकि अब ये मीटिंग खत्म हो रही है। अगली मीटिंग हम लोग फिर से जुड़ेंगे, आपको जल्दी ही मैसेज मिल जाएगा, और पूरी कोशिश रहेगी या तो कल होगी नहीं तो संडे को जरूर होगी, कोई एक दिन दोनों में से किया जाएगा।